ऑलराइट, सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड फाइनली आ गए एक और नई वीडियो के साथ में। एंड आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं DBS के बारे में। सो बेसिकली गाइस, DBS एक ऐसी क्लोज रेंज गन है जिसको अब अगर आप सही से इस्तेमाल करना सीख गए तो पूरी लॉबी, मतलब यूं चुटकी बजाने के जैसे आप पूरी लॉबी क्लियर कर सकते हो। और आज हम लोग इसी चीज के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मास्टर DBS इन क्लोज रेंज। तो बिना समय को जाया किए चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, लेट्स गो। ओके, सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को DBS के बारे में ए से लेकर जेड तक सारी चीजें बताऊंगा, और जो मैंने अपना एक्सपीरियंस DBS के बारे में सीखा है जाना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। एंड DBS के बारे में जो भी छोटी छोटी टिप्स है जो कि इंपॉर्टेंट है वो भी आपको वीडियो में देते जाऊंगा, और वो कौन सी जगह है जहां पे आप DBS की प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। सो गाइज, बेसिकली देखो, अगर आप एक BGMI प्लेयर हो तो आपको पता होगा DBS कितनी डेडली गन है और लोग DBS से कैसे कैसे क्लचेस कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव में भी कितना इसका यूज हो रहा है। तो अगर आप बहुत बेसिक प्लेयर हो DBS के, मतलब जस्ट आप DBS पिक करते हो, ऐसे कुछ खास प्लेयर नहीं हो DBS के, तो भी ये वाली वीडियो आपको हेल्प करेगी। एंड देन अगर आप DBS में थोड़े मोड़े अच्छे हो और DBS चला लेते हो तो भी ये वाली वीडियो आपको हेल्पफुल होगी। तो जो बेसिक से बेसिक प्लेयर है उनके लेवल से लेके मैं एक एडवांस लेवल तक के प्लेयर तक की नॉलेज मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, जितना मैंने सीखा और जितना मैंने कॉम्पिटिटिव देख के अपने नॉलेज को DBS के बारे में इंक्रीज करा। सो गाइज, देखो DBS जो है ये सबको पता है कि एक प्रॉपर क्लोज रेंज गन है और इसको अपन ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में यूज नहीं कर सकते। तो अगर आपको एनिमी को मारना है DBS से तो आपको उसके क्लोज रेंज में या फिर उसको आपके क्लोज रेंज में आना पड़ेगा। तो मोस्टली अगर बंदे को पता चल गया कि आपके पास DBS है तो वो आपके पास आएगा नहीं। सो इसीलिए पहली जो टिप है मेरी, कभी भी सामने वाले बंदे को पता नहीं लगने देना कि आपके पास DBS है। बहुत सारे लोग अपार्ट्स पर बैठे रहेंगे एंड देन अपना DBS को रिलोड करेंगे, उससे क्या होता है कि नीचे जो बंदे या फिर ऊपर जो बंदे उनको पता चल जाता है कि आपके पास DBS है, तो इसी चक्कर में वो बंदे आप पर रश नहीं करेंगे। तो मेरी पहली जो ये टिप रहेगी वो है कि कभी भी DBS अपना रिवील नहीं करना एनिमी को, चाहे वो रिलोड करके चाहे वो फायर करके। सो गाइज, देखो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से DBS जो है ना वो एक अच्छी डिफेंड गन है, ना कि अटैक। तो अगर आप पे बंदे पुश कर रहे हैं और अगर आप एक अच्छे प्लेस पे हो, जैसे एक सीढ़ी पे हो या फिर एक ऐसे जगह पर जहाँ पे नेट नहीं आ सकती और एक ही जगह है जहाँ पे बंदे घुस सकते हैं आपके ऊपर, तो DBS उस जगह में बहुत हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए। सो गाइज, इस जगह पर मेरी जो सेकंड टिप है वो ये होने जा रही है कि अगर आप DBS यूज कर रहे हो और आपको बहुत तगड़े किल्स निकालने हैं अपने मैच पे, तो बंदों को झोलझाल में फंसाओ कि बंदे तुम्हारे ऊपर रश करें, ना कि तुम बंदों पे। और अगर आप एकदम एग्रेसिव प्लेयर हो और आप खाली रश करने पे भरोसा रखते हो तो आपको इस तरह से रश करना है कि सामने वाले पे आप भारी पड़ो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप रश कर रहे हो तो प्रॉपर वे से, अगर सामने वाले स्क्वाड के 2 या 3 बंदे नॉक है तो ही आप DBS लेकर रश करो, वरना ज्यादातर मौकों पर आप रश होने दो। और इसका एक और एडवांटेज ये है कि अगर बंदे आप रश कर रहे हैं और आपका जो होल्डिंग प्लेस है वो थोड़ा बड़ा है तो बंदों को आपकी लोकेशन पता नहीं है, और यही चीज़ आपके लिए सबसे बड़ी एडवांटेज है। इसी मौके पे बंदे क्या करते हैं, ज़्यादा एग्रेशन में आकर अंधा घुसते हैं, और इसी जगह पर आप DBS का यूज़ करके बड़ी बेहतरीन तरीके से बहुत सारे क्लचेस एंड बहुत सारे किल्स उठा सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट। तो मेनली गाइज देखो, अभी आपके हाथ में आ गया है DBS, आप सोचोगे कि मैं DBS पकड़ा मुझे कोई नहीं मार सकता, ठीक है, तो आप बहुत बड़े गलत फहमी में हो। ठीक है, DBS एक ऐसी चीज़ है जिससे आप लोगों को मार सकते हो, लेकिन सामने वाला भी तो आपको मार सकता है ना। तो अभी यहाँ का मेन इस पॉइंट को लाने का मेरा पर्पस ये है कि सबसे मेन चीज़ होती है BGMI का, आप अगर कोई भी गन यूज़ करो सबसे मेन चीज़ यही होती है कि आप कवर में रहो। सबसे बड़ा चीज़ है कि आप कवर पे रह के खेलो, कवर से अंदर बाहर होके मारो, ठीक है, या फिर कवर में पीक लेके मारो, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है सबसे पहले आप कवर खोजो, ठीक है। क्योंकि गाइस देखो, जितनी HP आपकी है गेम में उतनी ही HP सामने वाले की भी है, और अगर आप सोच रहे हो कि कवर लेके खेले आप हम कैंपर कहलाएंगे, कैंपिंग, सामने वाला बोलेगा कि तुम कैंपिंग करके मार गए, तो ऐसी कोई बात नहीं है गाइस, ये गेम सेंस ही है। अगर आप कवर लेके खेलते हो तो ये कोई कैंपिंग में ऐड नहीं होता, ये गेम सेंस है कि अपन कवर लेंगे तो ही अपन बुलेट से बच सकते हैं, ठीक है। ओपन में तो आप बुलेट डॉज नहीं कर सकते ना, कवर पे रहोगे तो ही आप बुलेट से सेफ रहोगे, तो ये सबसे मेन चीज़ है, आप कवर में खेलो। तो देखो गाइस, जिस चीज़ के एडवांटेजेस होती है ना उस चीज़ के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो अभी DBS के मैटर में ये ऐसा है कि DBS जितनी बीस्ट है ना, जितनी खतरनाक गन है, जितनी डेडली गन है ना, उससे ज़्यादा बड़ी धोखेबाज है। तो गाइज, आप लोगों का तो नहीं पता लेकिन मेरे साथ ऐसा बहुत टाइम होता है कि मैं अगर DBS के 5 बुलेट भी मार दूँ ना, 5 बुलेट 4-5 बुलेट भी अगर एक बंदे को मार दो तो भी वो बंदा नॉक या फिनिश नहीं होता है।
तो देखो गाइस, ऐसे मौके पे आपको चुपचाप वहां से भाग जाना है, अपने डीवीएस को लोड करना है कवर में बैठकर, एंड देन फिर से जाना है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाना है कि आप पहले दो बुलेट उसको कायदे से मार सको, कायदे से इन द सेंस हेड पे या फिर चेस्ट पे, क्योंकि डीवीएस का ऐसा कुछ लफड़ा है कि आप उसको कहीं भी मारोगे ना डैमेज कम होगा, लेकिन हेड पे और चेस्ट पे लगाओगे ना कायदे से दो बुलेट फट फट एक साथ, तो उसका डैमेज ज्यादा होता है। एंड हाँ गाइज, रिमेंबर दिस, कभी भी डीवीएस का सिंगल बुलेट फायर मत करना, हमेशा डबल बुलेट फायर करना, नहीं तो गन बहुत गंदा धोखा देगी और आपकी पेटी भी बनवा सकती है आपकी ये गलती। ओके गाइज, अब ये लास्ट बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैंने जितने भी आपको टिप्स दिए डीवीएस के बारे में, जितने भी बातें बताई, वो सारी व्यर्थ हो जाएगी अगर आपने इस लास्ट वाले चीज़ को फॉलो नहीं किया। सबसे मेन चीज़ होती है गाइज प्रैक्टिस, क्योंकि डीवीएस जो गन है वो डेडली है, उसके साथ आपका जो प्रैक्टिस होना चाहिए वो भी डेडली वाला होना चाहिए। तो आपको प्रैक्टिस कहाँ करना है वो भी मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, सबसे बढ़िया जगह है वो प्रैक्टिस करने की। तो देखो, आपको प्रैक्टिस करना है आपके अल्टीमेट अरीना में जाके, ना ही कोई ट्रेनिंग में, ना ही कहीं, बस अल्टीमेट अरीना में जाओ, ठीक है, इरेंगल वाली या फिर आपको जो भी पसंद हो वहाँ पर अवेलेबल है उसमें जाओ, अल्टीमेट अरीना में डीबीएस चूज़ करो सेकेंड राउंड से और खेलो, ठीक है, बिंदास खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दो तीन अरीना, जैसे आप अरीना खेलते हो नॉर्मली स्टेडियम खेलते हो वैसे अब अल्टीमेट अरीना खेलना मैच के पहले तीन चार, और डीवीएस यूज़ करना चाहे कोई मैटर, वहाँ तो आपका रैंक वैंक प्लस होना नहीं है, डीवीएस खेलो वहाँ पर बढ़िया, वहाँ पर हाथ बैठाओ और वो बेस्ट है, क्योंकि डीवीएस आपको डर नहीं रहेगा पहली बार अंदर से कि मेरी माइनस हो गया प्लस हो गया मैं मर जाऊँगा, और वहाँ आप डीवीएस की प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो, क्योंकि आप डेमो पर प्रैक्टिस करोगे ट्रेनिंग पर जाके, वो क्या बंदा एक ही मूवमेंट भागेगा राइट लेफ्ट ठीक है, यहाँ पर बंदे जिगल देते हैं और यहाँ पर अच्छे बंदे भी आते हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अल्टीमेट अरीना आपके डीवीएस की एम को सुधारने में, बेटर करने में। ओके गाइस, सो आज की वीडियो यही खत्म होती है, वीडियो को एक लाइक कर लेना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ या फिर गेम प्ले के साथ, सी यू सून, टाटा बाय बाय, सायोनारा।